मैं किस टॉपिक पर आज चर्चा करने वाला हूं आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा। जैसे ही आप यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं, यहां पर तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन है डिजी लॉकर से सत्यापन, इस पर आप क्लिक करते होंगे। क्लिक हियर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, इस ब्लू कलर की लिंक पर भी आप क्लिक कर देते होंगे। यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर दिखाई देता है, इस कैप्चे को फिलअप कर डिक्लेरेशन को टिक कर दीजिए। नीचे आएंगे सबमिट ओटीपी ग्रीन कलर की बटन पर क्लिक करते हैं, वी आर सॉरी का एरर देखने के मिलता है। आपने कई बार प्रयास किया लेकिन आपको यहाँ पर वी आर जो सॉरी का जो इरर है देखने के लिए मिल रहा है। और चलिए मान लेता हूँ कि जिन लोगों को वी आर सॉरी का इरर देखने के लिए नहीं मिलता है उनको ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाता है, तो ओटीपी डालने के बाद डिक्लेरेशन को टिक करते हैं, सबमिट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। आप लोगों को एक पॉपअप बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, ओके वाली बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट इंटरफेस इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा, मोबाइल नंबर या आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं। जो ब्लू कलर की लिंक आपको नीचे देखने के लिए सब इस पर क्लिक करके अपना 12 डिजिट का आधार नंबर आप डाल दीजिए। इसके बाद इस ग्रीन कलर की नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब क्या होगा कि आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, उस डिजिट को यहां पर आप डाल दीजिए। 6 डिजिट डालने के बाद यहां पर सबमिट की ग्रीन कलर की बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अगला इंटरफेस इस प्रकार का देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहां पर आपसे सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा, तो आपको 6 अंकों का कोई सा भी सिक्योरिटी कोड यहां पर डाल देना है जो आपको याद रहे। इसके बाद इस ग्रीन कलर की डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर से अलाउ की बटन देखने के लिए मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार की एरर देखने के लिए मिल जाएगी, इनवैलिड डिजी लॉकर रिस्पांस। बता दूं आपको कि 9-10 की जो साइट है वो बंद हो चुकी है और 11 से ऊपर की साइट खोली गई है, सो वेबसाइट का अभी जो है बराबर मेंटेनेंस नहीं हो पाया, मेंटेनेंस का वर्क जारी है। कुछ दिनों में ये समस्या आपको सॉल्व देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों वेबसाइट या एरर को लेकर आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट बचा हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके बाद कमेंट में अपनी राय छोड़ दीजिएगा, जवाब आपको तुरंत